दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स। सो आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास। तो पिछले जितने भी क्लासेस लगी हैं, तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था उसमें कोडिंग डिकोडिंग का। जिसने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नहीं लगाई है वो पहले वो क्लास लगा लीजिएगा। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, उस टॉपिक का नाम है सीरीज। तो सीरीज के क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे। देखिए जो सीरीज है वो मैथ्स में भी आता है, जो क्वांट होता है, और उसके अलावा मेंटल एबिलिटी में भी आता है। अगर का कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी में ही जो सीरीज है वो आता है, ठीक है। देखो दो तरह की सीरीज होती है, एक आएगा अपना नंबर सीरीज और दूसरी अपनी होती है अल्फाबेट सीरीज। जो अल्फाबेट सीरीज है जिसमें एबीसीडी आपने देखी होगी, तो वो तो आएगी हमारी मेंटल एबिलिटी के अंदर या रीजनिंग के अंदर। नंबर सीरीज मोस्टली मैथ्स में आती है, लेकिन काफी एग्जाम्स में अगर एनटीएससी का एग्जाम आप उठाकर देखोगे या कुछ और भी एग्जाम्स है, उसमें क्या है रीजनिंग में ही जो नंबर सीरीज है उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों ही आपको याद रखनी होगी, दोनों ही मैं सिखा दूंगी कैसे करनी है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको आना जरूरी है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से आता होगा उसके बाद ही आपकी अल्फाबेट सीरीज अच्छी हो पाएगी। इसलिए पहले कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही ये वाली आपने सीरीज वाली देखनी है। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो बेसिक लेवल का इसलिए करेंगे जिसकी मान लो पहली क्लास है, जिसने कभी सीरीज नहीं पढ़ी है तो उसको इजिली समझ आ जाएगा कि ये है क्या। तो देखिए इसमें हम करते हैं नंबर सीरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, देखिए नंबर सीरीज हो या अल्फाबेट सीरीज दोनों में ही ये लागू होता है। एक तो हमारी होगी एडिशन, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होगी सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब समझ रहे होंगे, जिसमें प्लस करना होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस करना होता है, ठीक है। तो जोड़ बोलते हो, घटा बोलते हो जो हिंदी में। उसके अलावा अगर तीसरी बात करें तो वो आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करते हो ना, गुणा करते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो डिवाइड मतलब भाग हो जाएगा। तो ये चार चीजें इसमें हम करेंगे। उसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, आपको स्क्वेयर्स याद होने चाहिए, उसके अलावा क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। स्क्वेयर्स आपको मतलब मिनिमम मान के चलो, मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 30 तक तो आने ही आने चाहिए। उसके अलावा क्यूब्स की बात करें तो 15 तक आपको क्यूब्स आने चाहिए मिनिमम, उसके अलावा मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। और देखिए याद करने का तरीका क्या है स्क्वेयर्स और क्यूब्स का, यू नहीं है कि आप एक दिन में सभी याद करोगे। देखो याद हो जाएंगे नो डाउट, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाओगे अगर एक दिन में ही आप याद करोगे तो। तो तरीका क्या है, आपको स्क्वेयर्स जो है कम से कम 10-11 तक तो आते होंगे। जैसे 10 का स्क्वेयर आपका 100 होता है, स्क्वेयर का मतलब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 का स्क्वेयर होगा 10 × 10 तो आपका 100 आ जाएगा। 11 का स्क्वेयर 11 × 11 121 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कम से कम 30 तक याद कर लो। तो याद कैसे करोगे, मान लो 11 तक आपको आ जाते हैं, उसके बाद क्या करोगे, सुबह उठ के कम से कम 5 उसमें ऐड कर दो और, मतलब 11 तक आते हैं तो 16 तक आप याद करो, फाइन। उसके बाद सुबह आप याद करोगे, शाम को आप फिर सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लोगे 16 तक। उसके बाद नेक्स्ट सुबह उठोगे फिर उसमें 5 और ऐड कर लो, ऐसे कर करके आपने याद करना है, ठीक है। सुबह 5 याद करोगे और शाम को उन्हीं सबको फिर रिवाइज कर लोगे। हर रोज सुबह सुबह ऐड करने 5 और शाम को सारे रिवाइज करना जितना भी आपने याद किया है अब तक। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी वो चीजें, जल्दी से भूलोगे नहीं। इसी केस में जैसे अगर क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स को भी ऐसे याद करना है। क्यूब्स में 5 ऐड ना करके 2 या 3 ऐड कर सकते हो। जैसे मानो स्टार्टिंग में आपको क्यूब कहाँ तक आता होगा, 2 तक 3 4 5, क्यूब का मतलब एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मान लो 2 का क्यूब देखना है तो 2 × 2 × 2 क्या होगा, 2 × 4 × 8। ऐसे 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 तो कितना आ जाएगा 27। इसी तरीके से क्यूब्स याद करने हैं, 15 तक क्यूब्स आप याद कर लेना। उससे होगा क्या, याद अगर कर लोगे तो कैलकुलेशन इजी होंगी, और हमारा मेन मोटिव क्या है, कैलकुलेशन इजी करना। क्वेश्चंस को जितना फास्ट आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। सो देखिए इसमें स्क्वेयर्स आ जाएंगे, क्यूब्स आ जाएंगे, और एक अपनी होती है डबल सीरीज, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि डबल सीरीज कौन सी होती है, सिंगल सीरीज कौन सी होती है। तो ऐसा कुछ पैटर्न इसमें रहने वाला है, उसके अलावा भी जो कुछ होगा वो हम साथ के साथ
डिस्कस कर लेंगे कि इसके अंदर और क्या आ सकता है। तो इसमें देखिए हम नंबर सीरीज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अल्फाबेट सीरीज भी कर लेंगे। तो नंबर सीरीज में क्या क्या रहेंगे ये सर मैंने बता दिया है, तो इसका एक एग्जाम्पल वगैरह लेकर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फाइन, तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने एग्जाम्स में देखा भी होगा कि आपको सीरीज के क्वेश्चंस मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं। अगर देखिए मैं बोलना चाहूँ कि मान आपको एक क्वेश्चन दिया गया 15, 20, 25, 30 फिर आपको डैश दे दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ठीक है। तो वो रीजनिंग में भी पूछ सकता है और मैथ्स में भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, देखिए स्टार्टिंग में हम थोड़े कॉमन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मुश्किल पे भी आएंगे। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सबट्रैक्शन हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा स्क्वायर होगा, तो इतनी जल्दी कैसे पता लगा पाते हैं क्वेश्चन को एकदम देखते हैं। तो ये चीजें आएंगी आपकी प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाजा लगता रहेगा कि इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रिक्स माइंड में बैठती जाएंगी। तो वो डिस्कस करते हैं कि वो ट्रिक्स कैसे आएंगे। देखिए अब हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 हो क्या रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब या तो इसमें प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, माइनस और डिवाइड का तो कुछ सीन ही नहीं है। माइनस और डिवाइड तब आता अगर संख्या या फिर आपकी जो सीरीज है वो कम हो रही होती, बट ये ज्यादा हो रही है, मतलब या तो प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनका डिफरेंस देख लो कितना है, डिफरेंस मतलब इनका माइनस देख लो, इन दोनों के बीच का कितना आएगा, 20 में से 15 माइनस करोगे आएगा 5, मतलब 5 ऐड हुआ। उसके बाद 25 माइनस 20 फिर प्लस 5 हो रहा है, फिर प्लस 5 मतलब आगे भी प्लस 5 ही होगा। सीरीज मतलब आपको सीरीज दिख जाएगी कि सर में 5, 5, 5 ऐड हो रहा है। तो अब देखिए लास्ट सीरीज हमारी 30 थी, 30 में 5 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 35, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आपका आया क्या, एडिशन का। इसी तरीके से एक और डिस्कस कर लेते हैं, मान लो ये 5000, 1000, 200, 48 अगला बताओ क्या आएगा। तो क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आएगा कि चीजें हो रही है कम, कम हो रही है, तो ना तो प्लस आएगा ना ही मल्टीप्लाई, ये दोनों चीज तो आएगी ही नहीं। इसका मतलब कम हो रही है तो या तो माइनस आ सकता है या फिर डिवाइड आ सकता है, दो चीजें आएगी। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना आया 4000, इन दोनों का डिफरेंस देखा 800, इन दोनों का डिफरेंस देखा 160। तो अभी कुछ यहाँ समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो माइनस तो इसमें होगा नहीं, तो डिवाइड का देख लेते हैं कि क्या कुछ डिवाइड हो रहा है इसके अंदर। तो देखिए 5000 से आया 1000, मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो 1000 आएगा। ऐसे ही 1000 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 200 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000, मतलब ये भी 5 से डिवाइड हुआ। अब 200 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, उसके बाद अब 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5, ठीक है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है सारा, आया समझ में। तो अब क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 1.6, तो 1.6 आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को नहीं आता तो इसको डिवाइड करके देख लो, 5 बन जाए 5, 3 बचेगा, फिर डेसिमल आएगा 35 से 30, तो 1.6। बाकी ये चीजें छोटे बच्चे कर सकते हैं, बड़े बच्चे नहीं करेंगे। तो इसका 1.6 आ गया समझ में कैसे आया, तो ये था डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट। हमने प्लस वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके अलावा आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन को देख के आप समझ पा रहे हो ना कि हाँ इसमें हो रहा है, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। तो आपको इतना तो पता लग जाएगा कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर इंस्टेंट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है मतलब प्लस होगा। अगर बहुत जल्दी मतलब बहुत ज्यादा कम हो रहा है ना, एकदम से ज्यादा कम होगा मतलब डिवाइड, और धीरे धीरे कम हो रहा है मतलब माइनस। तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद रखेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं आगे, मान लो ये है 150, ठीक है 150 ले लेते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे 140, देन 130, 120। तो आप समझ गए होंगे ये तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है कि कम हो रहा है और बिल्कुल
होगा, तो 150 से है या 140, तो कितना माइनस 10। उसके बाद 140 से 130 आया फिर माइनस 10, 130 से 120 आएगा फिर माइनस 10, मतलब आगे भी माइनस 10 होगा तो ये आएगा 110। तो ये था सब्ट्रैक्शन का केस। तो आई थिंक ये समझ आया होगा कि हाँ ये कैसे हुआ, गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। मानो एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, 8 4 4 8, ठीक है। इसमें आप देखना कि वो क्या रहा है, इसमें आपको कम भी दिख रहा होगा ज्यादा भी दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। चलो आपने ये बताना है ये अगला क्या आएगा। तो इसमें देखो दोनों चीजें हमको दिख रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस देखेंगे कि क्या होगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ एक बार 8 आया फिर 2 बार 4 फिर 8 फिर 2 बार 4 ऐसे, ये सीरीज नहीं है इसमें। देखिए क्या हुआ, 8 से 4 कैसे आएगा माइनस 4, 4 से 4 कैसे आया 0, फिर क्या हुआ प्लस 4, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि 0 से 4 में डिफरेंस, माइनस 4 से 0 में डिफरेंस, 0 से 4 में डिफरेंस, ये आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक डिजिट हम और ले लेते हैं ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ठीक है, अब ये देखो 0 4 प्लस 4, अब इतना तो नहीं आएगा ना गैप इसके अंदर, तो ये डिफरेंस वाला तो नहीं होगा। और सोच के देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, अभी 32 की वजह से पक्का आपको समझ आ गया होगा कि हाँ इसमें क्या सीरीज बनी हुई है। अगर किसी को नहीं समझ आता है ना, मान लो स्टार्टिंग से आपको नहीं समझ आ रहा कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, तो बीच में सोल्यूशन उठा लो, लास्ट से उठा लो, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। लास्ट से देख लेते हैं, 8 से 32 मल्टीप्लाई करके देखो कितना क्या होता है, 8 4 जा 32। अब देखो 4 कितने जा 8 होता है 2 जा, 4 कितने जा 4 होगा 1 जा। अब कहानी आएगी 8 से 4 कैसे आया, तो 8 का 4 हाफ होता है, ठीक है, आधा आएगा ना, मतलब इनटू हाफ। अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, आया होगा समझ कि देखो 8 से 4 आधा इनटू हाफ इनटू 1 इनटू 2 इनटू 4। अब ये चीज ध्यान से देखेंगे लास्ट वाली, देखिए आधे से हुआ 1, 1 से गया 2, 2 से गया 4, मतलब ये चीजें हो रही हैं डबल, आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, मतलब 32 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 256, तो 256 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कि हाँ मल्टीप्लाई हमने कैसे किया है। तो मल्टीप्लाई में इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एनटीएससी के एग्जाम में आया था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग में भी देखोगे तो भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमने देख लिया प्लस, देख लिया माइनस, देख लिया मल्टीप्लाई, देख लिया डिवाइड भी देख लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं। अब कुछ और डिस्कस करते हैं कि और क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बन सकते हैं, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। इस बार आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि किस तरह से बनेगा। एट नाइन थर्टीन, ठीक है, 22, ये बताओ क्या आएगा, 8 9 13 और 22। अगला नंबर आपने बताना क्या आएगा, जरा सोच के देखो, ट्राई करके देखो, जो मेथड अभी किया है उसमें से कुछ आ रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट है, सोच के देखो जरा। इनका आपको ये पता लग रहा है कि बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मतलब प्लस का है, ठीक है, माइनस तो ओपन है, डिवाइड भी नहीं होगा, और मल्टीप्लाई होता तो एकदम से ज्यादा बढ़ता, ठीक है। तो देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 9। अगर आपने स्क्वायर याद किए होते तो आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाता कि ये 149 स्क्वायर्स हैं,
फोर बनाए देखते याद आ जाएगा। नाइन तो हमेशा याद रखना कि किसका, थ्री का स्क्वेयर, फोर टू का स्क्वेयर, वन तो किसी का भी स्क्वेयर होगी वो बन ही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि जो नाइन है वो थ्री का स्क्वेयर, ये टू का स्क्वेयर, ये वन का स्क्वेयर, तो वन टू थ्री फोर, फोर का स्क्वेयर आएगा अगला, और फोर का स्क्वेयर हमें पता है कितना होता है 16, तो 22 में 16 प्लस करना है, ठीक है। 22 में 4 का स्क्वेयर मतलब 16 प्लस करना है, 4 प्लस नहीं करना, ये ध्यान रखोगे। जल्दबाजी में यू नहीं करना कि 22 ने 4 प्लस कर दिया और आंसर निकाल दिया, ऑप्शन में 22 प्लस 4 भी होगा, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है कि बच्चा जल्दबाजी में कर देगा, लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी। तो 22 में 16 ऐड करोगे कितना आंसर आएगा, 38। आया समझ में कि किस तरीके से स्क्वेयर्स को भी हम प्लस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सेम एज इट इज भी पूछा गया हुआ है ये एग्जाम्स के अंदर, तो ये क्वेश्चन आया वो आपको समझ में अच्छे से कि इसमें क्या किया गया था कि ऐड है, और क्या ऐड है, स्क्वेयर्स को ऐड किया हुआ है, आया ना समझ में। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5, 6, 14, 41, अगला आपने बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए जो सीरीज आती है वो दो तरीके से आती है, एक आएगी आपकी मिसिंग नंबर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एक नंबर मिसिंग देगा, वो अपने नंबर बताना है कि वो क्या है। उसके बाद एक आता है रोंग सीरीज में पूछ लेगा कि बताओ रोंग नंबर कौन सा है इसमें से, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको सारे नंबर गिवन होंगे और रोंग देखना होगा कि कौन सा है, एक उसमें से गलत आपको दिया होगा, लेकिन पहले हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, मिसिंग नंबर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद रॉन्ग वाले भी डिस्कस करेंगे। तो ये आई थिंक आया होगा समझ में इसमें क्या हो रहा है, आ गया होगा, इसका नहीं आया होगा एक बार ट्राई आउट कर सकते हो, 10 सेकंड है आपके पास, एक बार देख लो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए माइनस तो होगा नहीं, डिवाइड भी नहीं होगा, उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई में हम देख लेते हैं कि क्या होगा। पहले इनका डिफरेंस देखो, प्लस वन 6 से 14 कैसे आया, प्लस एट, ठीक है, एट और 6 14 होता ना, उसके बाद ये कैसे आया 27 प्लस करोगे, 41 माइनस 14, 11 माइनस 4 7, 3 माइनस 1 2, 27, ठीक है, पता लगा ना कि कैसे माइनस किया। तो आप इसको इस तरीके से माइनस करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर लो, 11 माइनस 4 7, 3 माइनस 1 2, ताकि आपका टाइम बच जाएगा इसमें। अब देखिए अगर क्यूब्स याद होते ना तो समझ आता कि हाँ 27 3 का क्यूब है, मतलब 3 × 3 × 3 = 27। उसके बाद 8 बात करें तो ये क्या है 2 का क्यूब, और 1 तो मैंने बोला था स्क्वेयर कर लो, क्यूब कर लो, 1 ही रहना है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3 अगला क्या आएगा 4, 4 का क्यूब, देखो 4 × 4 × 4 करोगे, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, मतलब 64 इसमें प्लस करना है 41 में, प्लस 64 मतलब यहाँ प्लस 64 आ जाएगा, ठीक है, 41 में 64 ऐड करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 4 × 1 = 5, 6 × 4 = 10, तो 105 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा देख लेते हैं कि इसमें किया क्या है हमने, सो देखो इसमें क्या किया, डिफरेंस देखा 1, 8, 27, 64, फिर हमने ये देखा कि चलो 1 को हम भूल जाते हैं एक बार, 8 का हम देखेंगे कि 2 का क्यूब होता है, 27 क्या 3 का क्यूब होता है। अब आप ये सोचोगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि इसका क्यूब है, अगर प्रैक्टिस करोगे स्क्वेयर्स क्यूब्स याद करोगे तो देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ 64 तो 4 का क्यूब होता है, 27 तो 3 का क्यूब होता है, इससे याद आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो 1, 2, 3, 3 के बाद 4 आएगा, 4 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब 64, 41 में 64 ऐड करोगे, 105 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, क्वेश्चन ज्यादा इजी नहीं आएगा एग्जाम में, थोड़ा सा तो मुश्किल आएगा ही, ताकि वो आपका माइंड चेक करेगा कि आपका माइंड कितना उसमें काम कर रहा है, अगर आपका माइंड में प्रेशर बना हुआ है उस टाइम पे। सो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 7, 8, 17, 52,
अगला अवयव क्या आएगा? देख के समझ आ रहा होगा कि माइनस और डिवाइड तो नहीं होगा, प्लस और मल्टीप्लाई हो सकता है। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस क्या रहा है, उसके बाद थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह का देखना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा जितना भी डिस्कस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखिए बता दो तुम्हें क्या हो रहा है, 7 से 8 आया प्लस 1, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 17 3 जा 51 होता है, इतना सबको याद है, ये चीजें ऐसे देखते याद आएंगी कि हाँ 17 3 जा 51 होता है, इंटू 3 प्लस 1 हो रहा है। तो 8 से 17 कैसे आएगा, 8 2 जा 16 होता है और प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितना होगा, यहाँ 2 यहाँ 3, मतलब यहाँ 1 आना चाहिए और प्लस 1 बनना, तो यहाँ प्लस आना चाहिए। कैसा हो रहा है, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 हो रहा है। मतलब इसमें क्या हुआ, इंटू 1 प्लस 1 मतलब 7 1 जा 7 प्लस 1 8, इंटू 2 प्लस 1 मतलब 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 17 3 जा 51 प्लस 1 52। अब अगला क्या होगा, इंटू 4 प्लस 1, ये ध्यान रखना है, इंटू 4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 8 तो 209 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 209 आपका आंसर आ जाएगा। तो आया हुआ समझ में, इंटू 4 प्लस 1 करोगे, 52 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये समझ आया होगा कि कैसे किया, थोड़ा सा डिफरेंट था और के मुकाबले। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है, देख लेते हैं कि कौन कर पाएगा इसको। बताइए 2 3 8 27 एंड डैश, इस क्वेश्चन में बताओ कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा है डिफरेंट, लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। अगर आप चीजों को लगातार समझ रहे हैं साथ ही साथ और आपके आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप कर पाएंगे इसको। इसका नहीं होगा वो हार मत मानिएगा कि मेरे को तो समझ ही नहीं आया होगा, शायद इसलिए नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी फिर आप आगे कर पाओगे। तो अगली क्लास में तो हम और भी अच्छे वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, ये तो अभी बेसिक लेवल है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हाई लेवल हम लेके आएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है वो देखिए, 3 से 8 और 8 से 27 हमें पता है, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, 24 के बाद प्लस 3 करोगे तो 27 आएगा। उसके बाद 3 से 8 3 3 जा 9 होगा, लेकिन 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और ये 2, देखिए ये 2 हुआ ये 3 हुआ, ये 2 ये 3, मतलब सेम सेम है, इसका मतलब इंटू 1 प्लस 1 होना चाहिए, 2 इंटू 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, मतलब है सेम। 2 से 3 आया कैसे, इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 से 8 आया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8 से 27 आया, 8 3 जा 24 प्लस 3 27। अगला क्या होगा समझ रहे होंगे, देखिए 1 2 3 उसके बाद 4 और प्लस क्या हो रहा है, 1 2 3 4 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है, देखिए कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 27 को 4 से 108 प्लस 4 112 112 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि कैसे किया इस क्वेश्चन को। देखिए 2 से 3 आया इंटू 1 प्लस 1, 3 से 8 आया इंटू 2 प्लस 2, 8 से 27 आया इंटू 3 प्लस 3, फिर आएगा इंटू 4 प्लस 4, 27 इंटू 4 108 प्लस 4 112, तो 112 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आया होगा समझ में कि हाँ कैसे किया है। तो नंबर सीरीज में आपके ये क्वेश्चंस जो है ये बेसिक लेवल के हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हाई लेवल का भी डिस्कस करने वाले हैं। सो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना नंबर सीरीज की, जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं गूगल करोगे वहां मिल जाएंगे, कोई बुक पढ़ी आपके पास मेंटल एबिलिटी की है तो उसमें आपको सीरीज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट सेंड कर सकते हैं, वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। उसके अलावा अगर जो पिछली क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग में उसमें भी किसी को डाउट रहता है, मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो कि मेरा ये डाउट है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपके डाउट्स मोस्ट वेलकम है, आप डाउट्स भेजते रहिए, हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से यही डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज पे, और अल्फाबेट सीरीज भी हम डिस्कस करेंगे।
और इससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे इस बार, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आना, माइंड को ये सेट करके लाना कि हाँ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस कर लेना। और जिसने भी अब तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।